नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति और शराबबंदी का अभियान चला रही भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती रविवार को भोपाल के आजाद नगर स्थित एक शराब की दुकान में घुस गईं और पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंक कर वहां रैक में रखी शराब की कुछ बोतलों को फोड़ दिया। जैसे ही भारती ने पत्थर फेंके, उनके समर्थकों और उनके आसपास के स्थानीय लोगों ने अपने नेता की प्रशंसा करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल घोषणा की थी कि वो शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य में अभियान चलाएंगी। आपको बता दें कि फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उमा भारती ने शराब की दुकान पर पत्थर फेंका और ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया। उमा भारती ने इसका वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड करके लिखा, बरखेड़ा पठानी आजाद नगर BHEL भोपाल में मजदूरों की बस्ती में शराब की दुकानों की चेन है जो एक बड़े आहाता में लोगों को शराब परोसते हैं। उन्होंने आगे लिखा, ये मजदूरों की बस्ती है, पास में मंदिर है, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराब पिए हुए लोगों के कारण उनको लज्जित होना पड़ता है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।